हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कौशल गर्ग और आज मैं आपके लेके आया हूं नया एक्सपेरिमेंट स्नैप सर्किट का, इलेक्ट्रॉनिक स्नैप सर्किट जिसका नाम है स्नैप सर्किट जूनियर। इसमें हम 100 तरह के एक्सपेरिमेंट बना सकते हैं, 8 से 108 साल तक के लोग इसे खेल सकते हैं और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, अच्छा साइंस का प्रयोग है इसमें। और आज मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ एक वाटर रिलेटेड एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है नोइजर वाटर स्पेस वॉर या फिर सिंपल अलार्म। मैं पहले सिंपल वाटर अलार्म बनाऊंगा, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। ये सिंपल वाटर अलार्म बड़ी अच्छी चीज़ है, हमें इसमें बैटरी यूनिट चाहिएगा, स्लाइड स्विच चाहिएगा, स्पीकर चाहिएगा, पांच जॉइंट वाला एक यूनिट चाहिएगा, 1 2 3 4 टू जॉइंट वाले 4 यूनिट्स चाहिएंगे, 4 जॉइंट्स वाले 1 यूनिट चाहिएगा और एक U2 नाम से अलार्म IC चाहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा मेन बोर्ड जो काम आता है सही पोजीशनिंग और सही यूनिट्स को पुट करने में। ये देखिए, इसमें हॉरिजॉन्टली 1 2 3 4 5 6 10 तक नंबर बने हुए हैं और वर्टिकली ABCDEFG तक ये लेटर्स हैं। ये काम आते हैं सही ऑब्जेक्ट को पोजीशनिंग करने में, जैसे कि हमें बैटरी वाला CDE के बीच में लगाना है 5th लाइन में। तो चलिए मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। पहले 5th लाइन में लगाना था हमें CDE पे, यानी देखिए ये है CDE और 5th लाइन, यानी ये ऐसे लगेगा। ये देखिए लग चुका है। मैं ड्यूरासेल यूज़ करता हूँ क्योंकि ये ड्यूरेबल भी हैं और फास्ट चलते हैं। और हमें चाहिएगा एक स्पीकर, इसके साथ ये स्पीकर दिया गया है स्नैप सर्किट के साथ। ये देखिए ये स्पीकर है। एक चाहिएगा स्लाइड स्विच, ये देखिए ये है स्लाइड स्विच। 2 वायर्स चाहिएंगी, 1 रेड एंड 1 ब्लैक। U2 म्यूजिक सिस्टम चाहिएगा, अलार्म IC वाला। ये देखिए ऐसा है, ये हमने ले लिया है। 5 जॉइंट वाला एक यूनिट साथ आता है 5 जॉइंट वाला, और ये हमें चाहिएगा। ये देखिए एक यूनिट 6 जॉइंट का भी आता है, लेकिन वो हमें नहीं चाहिए, 5 वाला चाहिए। और देखिए हमें 4 जॉइंट्स वाला एक यूनिट आता है इसके साथ और एक ही चाहिए। अब देखिए 1 2 3 4, इसमें आप पढ़ के देख सकते हैं कि आपको कितने कितने यूनिट्स चाहिएंगे, और इसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं आप। अगर आपको कुछ भी बनाने का समझ में नहीं आए या फिर जो भी कन्फ्यूज़न हो, वो इस डिस्क्रिप्शन में आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए हमें 4 यूनिट्स चाहिए थे 2 जॉइंट्स वाले, ये देखिए तो हमें 2 जॉइंट्स वाले 4 यूनिट्स ले लिए हैं हमने। हमें बस यही आइटम चाहिएगी, पानी चाहिएगा और एक ग्लास चाहिएगा। तो चलिए पहले हम सर्किट पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम पानी और ग्लास पे ध्यान देते हैं। ये देखिए पहले हम जोड़ते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी जॉइंट जोड़ सकते हैं, कोई भी यूनिट जोड़ सकते हैं। पहले मैं जोड़ूंगा 4 नंबर का यूनिट 4 जॉइंट वाला, तो ये हमें रखना है 1 2 3 4, 1 2 3 4 के बीच में। तो चलिए जोड़ते हैं इसे 1 2 3 4, और हमें जोड़ना है ये ई लाइन पे। तो ये देखिए ई लाइन है 1 2 3 4, ये हमें ऐसे जोड़ देना है। ये देखिए हमने जोड़ दिया है। उसके बाद हमें B1 यानी बैटरी वाले यूनिट को इसके साथ जोड़ना है 2 जॉइंट्स वाले वायर से। तो देखिए जोड़ दिया है। अब हमें लगाना है सी और डी पे 1 2 3, सी और डी के बीच में 1 2 3 पे हमें अलार्म सिस्टम लगाना है। तो देखिए ऐसे लग जाएगा ये। अब इसे भी हमें 2 जॉइंट वाले वायर से जोड़ देना है। ये देखिए ऐसे जोड़ दिया है हमने। अब स्पीकर लगा देते हैं हम। ये देखिए स्पीकर ऐसे लगेगा फोर्थ लाइन पे BCD पे, ये स्पीकर ऐसे लगेगा। ये देखिए देख लीजिए आप,
अब हमें इससे अलार्म सिस्टम को जोड़ना है। ये देखिए ये हमने जोड़ दिया है। ये हम जोड़ चुके हैं। अब हम फिफ्थ नंबर वाला यूनिट लेंगे और इसे ए लाइन में 1 2 3 4 5 ऐसे लगा देंगे। देखिए ऐसे लगा देंगे। अब इसे स्पीकर के साथ जोड़ देंगे 2 जॉइंट वाले वायर से और स्लाइड स्विच को जोड़ देंगे बैटरी वाले यूनिट से। ये देखिए हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है। बस हमें 2 वायर चाहिए जो ये हमारे पास हैं। सेंटर वाले जॉइंट पे हमें ब्लैक वायर लगानी है जैसे इस फोटो में दिखाया गया है। बिल्कुल आसान है। ये देखिए हमने ब्लैक वायर का एक जॉइंट लगा दिया है। ये देखिए लगा दिया है। अब हमें रेड वाला वायर लगाना है सेकंड जॉइंट पे। फिफ्थ नंबर वाले वायर पे हमें सेकंड जॉइंट पे रेड वायर लगाना है। तो देख चलते हैं और फिर बजा के देखते हैं। इससे पहले हमें पानी और ग्लास चाहिएगा। अगर हम इन दोनों को इसमें डुबोएंगे तो ये साउंड देगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे साउंड देगा। मैं पानी लेता हूँ। ये देखिए पानी ले लिया मैंने। थोड़ा सा चाहिए पानी। अब हम इन दोनों को टच नहीं करेंगे वायर को। बिना टच किए जैसे इसमें दिखा रखा है हम इन दोनों को डुबो देंगे। उससे पहले अब हम स्विच ऑन करके देखते हैं और देखते हैं क्या होता है। चलिए 1 2 3। ये देखिए आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे। अगर हम वायर हटा देंगे ये देखिए आवाज़ चली गई है। और ये देखिए मैंने कोई भी स्विच नहीं दबाया, वायर हटाते ही आवाज़ चली जाएगी। ये देखिए तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास घंटी बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।